हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एकदम फिल्मी। आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ समांतर के सीजन 2 का। देखो यार, इंडिया में कोई फैन बना सेक्रेट गेम्स का तो कोई मिर्जापुर का। किसी का दिल फैमिली मैन ने जीता तो किसी को पाताल लोक पसंद आई, पर मेरा दिल तो असुर और समांतर ने जीता था, स्पेशली समांतर। आई फेल इन लव विद दिस सीरीज। हाउ मेनी वेब सीरीज इन इंडिया यू हैव सीन विच रेजेस क्वेश्चंस अबाउट एक्सटेंशियलिज्म? एक सवाल जो समांतर कंटिन्यूसली अपने व्यूअर्स से पूछता है कि आप किस्मत में बिलीव करते हो या कर्म में? क्या इंसान अपने कर्म से अपनी किस्मत बदल सकता है? आपने कई लोगों के मुंह से यह डायलॉग सुना होगा कि मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। तो क्या ये सच है? क्या ऐसा होता है? या इंसान जब पैदा होता है तो उसके पैदा होने से लेकर उसके मरने तक उसकी पूरी किस्मत पहले से ही लिखी होती है? वो किस घर में पैदा होगा, एक अमीर घर में, एक डेवलप कंट्री में, या फिर एक गरीब घर में, एक अंडर डेवलप कंट्री में, कहाँ रहेगा, कैसे और कब मरेगा, कौन सा प्रोफेशन चूज करेगा, एंड ऑल दैट। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू थिंक अबाउट। समांतर के जो कैरेक्टर्स हैं वो एक किस्म के लूप में फंसे हुए हैं। हमें लगता है कि इस लूप को तोड़ा जा सकता है, बट वी आर नॉट श्योर। जब ये सीरीज एंड होगी ना, जी हाँ, इस सीरीज का एक और सीजन जरूर आएगा, आई थिंक तब ये लूप टूटेगा। वो कहते हैं ना, काल को कौन हरा पाया है। ये शो खत्म होते हुए मुझे एक लाइन मेरे दिमाग में आ रही थी कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो देखना यह है कि कब वो वाला सीजन आएगा जिसमें ये लूप टूटेगा और इस सीरीज का एक कैरेक्टर इस काल को हराएगा। सेकेंड सीजन में मुझे एक दो चीजें हैं जो खटकी, जैसे इसमें इतने सारे सेक्सुअल सीन्स हैं जिनकी जरूरत नहीं थी। वैसे सीन्स थोड़े ज्यादा ही हैं, हस्बैंड वाइफ का फोन सेक्स एंड ऑल दैट, वो सब जरूरी नहीं था। अच्छा, सेकेंड सीजन का मुझे बेस्ट एपिसोड लगा 8th एपिसोड। बताऊंगा नहीं कि उसमें क्या हुआ, पर बड़ा ही माइंड बेंडिंग है। एक बार तो आपको क्रिस्टोफर नॉलन की भी याद आ जाएगी। एपिसोड को जिस तरह से बिल्ड किया है, जिस तरह से क्रिएट किया है ना, आप एक पल के लिए भी बोर नहीं होगे। और सीरीज में ना काइंड ऑफ एक मिस्ट्री है जो आपको शो के एंड तक बांधे रखेगी। देखो, सीरीज में दो टाइमलाइन साथ साथ में चलती है और उनको डिफरेंशिएट आप उनके कलर पैलेट के जरिए कर सकते हो, एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्रिएटिव चॉइस। ट्रस्ट मी, दिस सीरीज इज वेरी यूनिक। इस तरह की स्टोरीज आपने जरूर सुनी होंगी पर देखी नहीं होंगी। परफॉर्मेंस वाइज स्वप्निल जोशी, तेजस्विनी पंडित, नीतीश भारद्वाज, एवरी वन वॉज एक्सीलेंट। जिन लोगों ने ये सीरीज अभी नहीं देखी, ये वाला सीजन नहीं देखा है ना, तो उन्हें बता दूं कि अब मैं एंडिंग एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो अब इस वीडियो में जो स्पॉयलर्स होंगे तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ दो, पहले ये सीजन देख लेना, फिर आके जो है आगे वीडियो देखना, ठीक है? तो पहले ही बता रहा हूं कि स्पॉयलर्स होंगे। देखो, इस सीजन के एंड में दिखाया है कि चक्रपाणि की आत्मा भटक रही थी और कुमार महाजन की हाथ की रेखाएं बिल्कुल चक्रपाणि की हाथ की रेखाओं जैसी थी, बिल्कुल सेम टू सेम। इसीलिए दोनों का समांतर जीवन था, एक जैसा। दोनों के जीवन की घटनाएं एक जैसी थी, और जब कुमार महाजन मरता है तो चक्रपाणि की आत्मा मुक्त हो जाती है और कुमार महाजन की आत्मा इस काल चक्र में फंस जाती है। अब फ्यूचर में किसी की हाथ की रेखाएं कुमार महाजन जैसी होंगी तो फिर से वही सब शुरू होगा। इस बार कुमार महाजन वो डायरीज किसी और को देगा और फिर से ये सारा सीन जो है, यही सेम सिचुएशन दोबारे दिखाई जाएंगी। अब ये जो काल चक्र है ना, ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये एक किस्म का टाइम लूप है। तभी तो इस सीजन के एंड में ना हमें एक हाथ दिखाया जाता है जिसकी रेखाएं बिल्कुल कुमार महाजन से मिलती हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट सीजन में वो ही इस काल चक्र को तोड़े और इस लूप को जो है खत्म करे, क्योंकि जब तक ये लूप नहीं टूटेगा ना, तब तक कितने कुमार महाजन ऐसे ही पैदा होते रहेंगे और ये कंटिन्यूस साइकिल चलता ही रहेगा। तो जैसे अभी तक चक्रपाणि की आत्मा जो है फंसी हुई थी ना, तो ठीक वैसे ही इस सीजन के एंड में जो है, अब आत्मा कौन बन गई है, कुमार महाजन की जो है डेथ हो गई, तो उसकी जो आत्मा है ना, अब वो वैसे ही फंस गई है, ठीक है? तो एंड में जो हमें हाथ दिखाया है ना, जिसकी रेखाएं बिल्कुल कुमार महाजन से मिलती है, तो हो सकता है नेक्स्ट सीजन में हम देखें कि जो है वो जो है कुमार महाजन के पास आए, कुमार महाजन वो डायरीज उसको दे, एंड फिर से ये लूप शुरू हो। और हो सकता है कि वो वाला जो कैरेक्टर हो ना, वो इस लूप को तोड़ दे और ये शो जो है, जब भी ये शो खत्म होएगा ना, तो ये लूप टूटेगा ही टूटेगा। और इसीलिए डेफिनेट है कि इसका थर्ड सीजन तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, और हो सकता है कि वो इसका लास्ट सीजन हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय।